हाय गाइस, वेलकम टू ललित वर्ल्ड ट्रेवल। आज है 16/6/2023 और सुबह सुबह का नज़ारा रोहतांग पास का आपको देखने को मिल रहा है। ये है जून के महीने में 16/6/2023 का नज़ारा रोहतांग पास का। गाइस, काफ़ी सारी बर्फ है रोहतांग पास पर अभी और काफ़ी ज़्यादा लोग रोहतांग पास की तरफ विजिट कर रहे हैं। अगर आप भी मनाली आ रहे हैं या मनाली में हैं तो एक बार रोहतांग पास अवश्य विजिट करें। गाइस, रोहतांग पास पर अभी लिमिटेड ही परमिट अलाउ किए जा रहे हैं, 500 से 600 परमिट ही गाड़ियों को दिए जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप लोकल कैब को हायर करें। अगर आपके पास लोकल कैब ऑपरेटर का नंबर नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दोस्त सोनू रॉय लोकल, जो कि मनाली में लोकल कैब ऑपरेटर हैं और गाड़ियां चलाते हैं, उनका नंबर दे रखा है, तो आप कॉल कर बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग बड़े आसानी से परमिट निकलवा लेते हैं, इनका डेली का काम रहता है और ये आपको बड़े आसानी से आराम से रोहतांग पास का फुल टूर कराएंगे और काफ़ी अच्छे से आपको घुमाएंगे। तो गाइज़, ये है नज़ारा 16/6/2023 का रोहतांग पास का। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, काफ़ी सारे टूरिस्ट बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं और बर्फ़ में स्नो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। गाइस, अगर आप रोहतांग पास जा रहे हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलें, हाथ साथ में कुछ टैबलेट्स वगैरह वॉमिटिंग वगैरह की डाल के रखें और पानी की बोतल अवश्य रखें। एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से कभी चक्कर आता है तो पानी पीते रहें और कुछ चॉकलेट्स वगैरह रखें, जिससे कि आप एक्लिमेटाइज हो सकें और चॉकलेट्स वगैरह खा सकें। उसके अलावा अगर आप रोहतांग पास जा रहे हैं तो छोटे बच्चों को, 2 साल से नीचे के बच्चों को ले जाना अवॉइड करें और 50-55 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ले जाना भी अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर कभी भी मौसम चेंज हो जाता है और बारिश होने लगती है और स्नोफॉल होने लगती है तो सर्दी लगने का डर रहता है। तो गाइज, ये है नज़ारा रोहतांग पास का। काफ़ी ऊंची ऊंची बर्फ आपको देखने को मिलेगी। गाइज, यहाँ पर आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। रोहतांग पास पर एक पर्टिकुलर स्नो पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर टूरिस्ट खेल सकते हैं। इस तरह के हाई रिस्क जोन रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बर्फ़ खिसकने का जोन है, बर्फ़ खिसकने का डर रहता है, तो यहाँ पर आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। और आगे, इससे आगे स्नो पॉइंट बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर सारे ही टूरिस्ट रुकते हैं और बर्फ़ को एंजॉय करते हैं और रोहतांग पास के एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी मौसम चेंज हो रहा है और काफ़ी थोड़ी धूप निकलती है और फिर क्लाउडी मौसम हो जाता है और बादल आ जाते हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ठंडा मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो जैकेट्स वगैरह, वूलन के कपड़े अपने साथ रखें, गर्म गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाएं। आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा नज़ारा है। और अभी हम बढ़ रहे हैं स्नो पॉइंट की तरफ, वहाँ पर आप स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और स्नो में खेल सकते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट सुबह सुबह के समय ही रोहतांग पास पर पहुंच गए हैं। गाइज, अगर आप रोहतांग पास जा रहे हैं तो सुबह 3 या 4 बजे निकलें, वरना आपको ट्रैफिक में फंसने का डर रहता है, आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं। तो गाइज, ये है नज़ारा स्नो पॉइंट का रोहतांग पास कर। यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप खुलकर खेल सकते हैं, स्नो में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये है टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ स्नो पॉइंट, जहाँ पर सारे ही टूरिस्ट की गाड़ियों रुकती हैं और सारे ही टूरिस्ट बर्फ़ में एंजॉय करते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है और ये काफ़ी अच्छा जोन है। और अगर आप रोहतांग पास जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं भी गाड़ी बीच में इस तरह ऊंची ऊंची बर्फ़ देखकर ना रोकें। तो गाइस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको होते हुए कुलाबा, होते हुए मणि, मणि होते हुए रोहतांग पास टॉप और रोहतांग पास टॉप के बाद कोकसर वाली साइड से आप नीचे आएंगे अटल टनल की तरफ, नॉर्थ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल और साउथ पोर्टल से आप सोलंग वैली की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी सारे टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं जून के महीने में
और काफी प्यारा नजारा है। और ये नीचे कोक्सर की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको काफी सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा, पूरा ही एनवायरनमेंट काफी सुंदर है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रेवल चैनल को। इसी तरह के हिमाचल से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ललित वर्ल्ड ट्रेवल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।